ओके ओके ओके, तो हम तैयार हैं अपने कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के लिए। देखो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर जल्दी से बताइए कि हम क्या क्या चैप्टर्स कि क्या क्या चैप्टर पढ़ें, क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन पढ़ें। तो चलो, ये जो आप सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, दीर्घ उत्तरी में संप्रेषण एक सफल प्रबंधन की कुंजी है या फिर संप्रेषण क्या है, ठीक है, आधुनिक समय में संप्रेषण के क्या महत्व है, इनका वर्णन कीजिए। तो यह पॉइंट्स पूछा जाता है। अब आपको देख लेना है कि किस किस यूनिवर्सिटी ने इसको पूछा है, और यह क्वेश्चन उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बिलासपुर का नाम आप यहाँ 3 बार देख रहे हैं या 4 बार, तो इसका मतलब बिलासपुर इस क्वेश्चन को फिर से पूछेगा, क्योंकि बिलासपुर का काम है क्वेश्चन को रिपीट करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे अगला क्वेश्चन है उसी यूनिट से, आपका व्यावसायिक संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। देखो, एक सिर्फ संप्रेषण था, एक व्यावसायिक संप्रेषण है, या एक प्रभावी संचार या संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो जो मैं टिक लगाया हूँ ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इनको पढ़ लेना है। उसमें से जो नीचे वाला है ना, प्रभावी संप्रेषण क्या है, इसको बिलासपुर पूछता है ना। और भी बिलासपुर ने पूछा है, दुर्ग ने पूछा है, सरगुजा ने पूछा है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये एमपी क्वेश्चन है। देखो, अकाउंट में इस बार बिलासपुर से तो कुछ यूनिक टाइप का बनाया था, क्योंकि उसमें ऑप्शन होते हैं कुछ भी नया बनाने का। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, जो है उसी को देगा। तो जो पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको लगे कि आपने भी कुछ एक्स्ट्रा तैयारी किया था, जिस कारण आपसे कुछ छूटा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें से जो 10वां आप देख रहे हैं वो रहेगा, ठीक है। देखिए, 10वां जो ये है ना, आत्म विकास से आप क्या समझते हैं, इसको देखो दुर्ग ने पूछा है, साथ ही साथ बिलासपुर भी पूछता है, तो ये तो आप लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ 11वां स्वांट विश्लेषण क्या है, ठीक है, इसके महत्व एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये स्वांट विश्लेषण तो भाई मेरे टाइम में भी आया था, तो ये है, तो मैं इसको एमपी क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि ये आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, रविशंकर ने भी पूछा है, दुर्ग ने भी पूछा है ना, सरगुजा ने भी पूछा है, बस्तर ने भी पूछा है, बिलासपुर ने भी पूछा है, ये सभी यूनिवर्सिटी पूछती है, क्योंकि ये उस यूनिट का ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन हमने अभी पीछे से देखा, 2 क्वेश्चन ये लास्ट का देखा, यूनिट 1 के अंतर्गत है ना। तो यूनिट 1 में अगर कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो ये है जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब यूनिट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में आपको एक मिलेगा यहाँ पर, औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, दोनों के लाभ और हानियों की चर्चा कीजिए। ये उनके अंदर और भी जो टॉपिक है उनको पढ़ लीजिए अच्छे से। अंगूरी लता, यह एक यूनिक सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं इस विषय को, बस ऐसे चले गए हैं, उनसे तो ये सब नहीं बनने वाला। अंगूरी लता नाम से ऐसा लग रहा है कि किसी अंगूर के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, तो बच्चे ये फल होता है करके उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अगर उनको उनने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है तो। इसीलिए ना ऐसे क्वेश्चन घुमा करके दिया जाता है। तो ये 2 आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। फिर संप्रेषण की प्रमुख बाधाओं का वर्णन करें। कई बार इस क्वेश्चन में पूछ देता है संप्रेषण क्या है, उसके प्रमुख बाधाओं का वर्णन करें। तो इस तरह से देखो, बिलासपुर ने 21 में पूछा, जिस समय लॉकडाउन था, 19 में भी पूछा है जब लॉकडाउन नहीं था। ये आप देख सकते हैं कि बिलासपुर ने जिसको पूछा है ना, उसको रिपीट तो करता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही दरख्वास्त रहेगी कि बच्चे जो बिलासपुर के हैं वो इनको बिल्कुल पढ़ के जाएँ, छोड़ेंगे नहीं। और ये सारे टॉपिक ना जनरल टॉपिक है, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा पूछी जाती है, तो उन सभी बच्चों को पढ़ना है ना, छोड़ना नहीं है। और यहाँ से ना आपका बताता हूँ, श्रोता विश्लेषण वाला जो क्वेश्चन है, ये आईएमपी है, पूछा जाता है। आप देख सकते हो बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर सभी ने पूछा है। और एक प्रभावी सुनना होता है, कि प्रभावी सुनना किसे कहते हैं, सुनने में रुकावट और आने वाली बाधाओं का वर्णन दूर करने का वर्णन करें ना। तो यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल, देखो बिलासपुर ने 22 में पूछा भी है, और इससे पहले भी पूछा है, कई बार यहाँ पर डेट मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये थोड़ा सिलेक्टेड टॉपिक है, इनको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये जो है, ये दुर्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुर्ग ने लगातार इन क्वेश्चनों को पूछा है, तो ये दुर्ग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो दुर्ग के बच्चे इनको तैयारी कर सकते हैं। बाकी हाँ, बिलासपुर ने इसको 2-3 बार टच कर दिया, मतलब बिलासपुर तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, क्लियर। तो विचार गोष्ठी संप्रेषण करके बिलासपुर पूछता है, याद रखिए, ठीक है। तो एक आपका
सुनना क्या है या प्रभावी सुनना किसे कहते हैं, और श्रोता विश्लेषण और ऊपर में ये भी चार गोष्ठी है ना। और बस फिर हो गया। लेखन की कुशलता को देखो, बिलासपुर ने 19 में पूछा था, पर 8वां में उनमें से कोई एक क्वेश्चन रहेगा जो बता रहा हूँ। आपकी एक्स्ट्रा तैयारी में ये होता है कि अगर मैं किसी को चलो नहीं भी बोल रहा हूँ और आपको बिलासपुर का नाम दिखा तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो जब मैं उधर से इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ तो इधर से मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर से देखो, यहाँ से ना आदेश पत्र लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या पत्र क्या होते हैं, पत्रों के प्रकारों का वर्णन करें, व्यावसायिक पत्र या एक अच्छे पत्र में क्या मुख्य गुण होना चाहिए, ये कुछ पत्रों के विशेष चैप्टर जो है ना इनको आपको पढ़ना है। इनसे मिक्स कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि व्यावसायिक पत्र क्या है या एक अच्छे पत्र में क्या क्या गुण होना चाहिए, ऐसा कुछ। या आदेश पत्र, शिकायत पत्र, गश्ती पत्र, पत्रों के बहुत सारे प्रकार हैं जो आपको पढ़ के जाना है। जिसमें देखिए मैंने टिक लगाया है कि शिकायत पत्र भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ना, ये ऊपर में शिकायत पत्र, तगादे के पत्र, गश्ती के पत्र है ना। तो ये कुछ पत्रों के चार टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, और इनमें से क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है। मैंने 2018 में फर्स्ट ईयर दिलाया था, मेरे में तगादे के पत्र आए थे, आप यहाँ पर सन 2018 का देख भी सकते हैं। तो ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, आता है, ठीक है। प्रतिवेदन और रिपोर्ट राइटिंग भी आता है, और मैंने मोस्ट एमपी लगाया है क्योंकि उनके अथवा में अगर पत्र का स्पष्ट रूप से पत्र नहीं दिया तो यह क्वेश्चन तो रहते ही हैं, क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं हर यूनिवर्सिटी ने पूछा है, और पूरा सिर्फ इसमें ना किसने किसने पूछा उसी डेट को पूरा दिया है, इसलिए क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिखे कि इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने पूछा है तो ये पढ़ना ही चाहिए, फिर चाहे आप रायपुर के हों, चाहे बिलासपुर के हों, चाहे बस्तर के हों, चाहे दुर्ग के हों, चाहे सरगुजा के हों, चाहे किसी भी छत्तीसगढ़ से हों, कहीं से भी हो, आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। आगे मौखिक प्रस्तुतिकरण, ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अभी पीछे मैंने बताया आता ही है। आप इसको भी देख सकते हैं कितनी यूनिवर्सिटी ने पूछा है, और डिटेल से इसमें सन डेट दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये पार्श्व भाषा का अर्थ महत्व आप पढ़ सकते हैं, ये अथवा में आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन हाँ किसी किसी के में शायद डायरेक्ट मेन क्वेश्चन के रूप में आ जाए, तो ये आप लोग देख लेंगे, है ना, बाकी यूनिवर्सिटी वाले। दैहिक भाषा, हाँ मैं इसी क्वेश्चन को ढूंढ रहा था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर साल ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जाता है, कई बार लगातार पूछा जाता है, कई बार गैप गैप पर पूछा जाता है, पर पूछा जाता है। दैहिक भाषा, शारीरिक भाषा क्या है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बॉडी लैंग्वेज करके क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज क्या है ना, उसके टाइप्स है ना, उसके क्वालिटी, ये सबको पूछा जाएगा, तो ये आप लोग को देख लेना है, ठीक है। ईमेल, फैक्स, इसके क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। आधुनिक संचार है ना, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। देखो मैंने आईएमपी टिक लगाया भी है, इंटरनेट वगैरह जो नीचे ई कॉमर्स दिया है, ये सब आने वाले टॉपिक है। लास्ट है आपका भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ई कॉमर्स को समझाइए बोल करके जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपका टेलीफोन, फैक्स वगैरह, इनसे क्वेश्चन आते हैं, और ये आता है यूनिट 5 का है। तो इस तरह से हमारे लगभग यूनिट 1 से लेकर के 5 तक यूनिट के सारे एमपी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको बता दूं मिनिमम 4 क्वेश्चन हर यूनिट में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी किसी में 3 है या 2 है, लेकिन मिनिमम आप 4 मान के चलिए, इतना तो मैक्सिमम 4, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो इन क्वेश्चन को पढ़ना है, साथ ही साथ अपनी एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। आपको आप 100% तैयारी आपको 75 में 75 दे के जाएगा, डिपेंड करता है आप लिखते कैसे हैं, है ना। जितना जिस प्रश्न का उत्तर है उतना ही लिखना है, उससे ना ज़्यादा ना कम। अगर आप फेंक के लिखते हैं तो हो सकता है कुछ कम या कुछ ज़्यादा लिखें, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट पढ़ के जाते हैं ना तो फिर जो है उतना ही लिख करके आएंगे, ठीक है। मिनिमम कितना पेज लिखना है सर, तो मिनिमम आपको लगभग 5 पेज से 8 पेज तक लिखना है। तो मिनिमम तो 5 और मैक्सिमम 8, उससे ज़्यादा मत फेंकना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को यही दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देख लो, और अभी मेरे पास क्या है वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, इसका जो पुस्तक या अजय माला रहता है वो नहीं है, बस मैंने एक बच्चे से फ़ोटो मंगा और उससे मैं आपके लिए वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, क्योंकि इस समय सभी बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, तो कोई अभी अपना मंग भी नहीं सकता और कोई बच्चे दे भी नहीं सकते, क्योंकि उनको अपना तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।